आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके लिए। तो मोहित मेरा बेटा है, मोहित फारूकी, और ही इज वेरी इंटेलिजेंट। उसको थर्ड ईयर में था, मसला ये था कि डॉक्टर्स मेरा नेचुरल इस वक्त पीक है, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ है, ब्रांचेज हैं, हम अपनी मेडिसन प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी मेडिसन कस्टमाइज कर रहे हैं, सारी मेडिसन बना रहे हैं। तो मैंने कहा एक ही बेटा है मेरा, ये जाएगा अभी 5-7 साल में करेगा। सब ने डिस्करेज किया, भाई ये क्या कर रहा हो, कैसे कर रहा हो। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि डॉक्टर बन गया है, अब उसको डॉक्टर को आगे क्या करना है ये कुछ नहीं मालूम होता। और फिर उसके अंदर एक बहुत लंबा असर है, हमें बहुत लंबा टाइम है, जो हमने भी टाइम दिया और परेशानी हुई, हमें बड़े हर्डल्स हुए और फिर उसके बाद हम इस जगह पहुँचे। तो मैंने कहा यार इसको यू टर्न दो और इसको मैं अपने साथ लेकर आता हूँ। फिर हम चाइना गए, कोरिया, हमने सारी चीज़ें मशीन्स लेके आए, हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आए मेडिसन्स का। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग माशाल्लाह मोहित की इतनी क्लास की है, और वो मेरा इतना फर्मा बरदार बच्चा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे, सब बच्चों को दे, सबकी औलादों को दे। तो मैंने आपको बकफ़ात अमल बताया ना कि मैंने अपने वालिद, मेरे वालिद 10 दफ़ा गुजरते थे, मैं 10 दफ़ा खड़ा होता था। जब मैंने अपने वालिद वालदा को कभी तंग ही नहीं किया, कभी ज़ोर से बोला ही नहीं मैं, और उन्होंने प्यारी वालिद वालदा के सामने नौज़ बिल्लाह, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई भी ऐसा ना करे, तो उन्होंने बड़ी दुआएं दी। और इसी तरह मेरी औलाद है माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं, मेरे से प्यार करवाते हैं, मुझसे दुआ करवाते हैं, मैं आता हूँ तो खड़े हो जाते हैं। वो एग्जैक्टली जो मैं देखता था करता था वही मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ, वही चीज़ें मुझे परवरदिगार मिल रही। तो मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ही इज़ डूइंग वंडरफुल। उसने माशाल्लाह पूरी प्रिपरेशन बना रहा है, हम यहाँ पे इम्तियाज़ में माशाल्लाह हमारा है, मेरे सेंटर से इसलिए हमने बढ़ गए माशाल्लाह, हर सेंटर पे हमारी मेडिसिन है। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम क्या चीज़ पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब ये तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा है, तो हम उसको बेहतर करते हैं। जो चीज़ काउंटर से लेते हो उसके आगे पीछे पता नहीं है किसने बनाई क्या बनाई है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा रिलेशन डेवलप हो गया बाप बेटे का, वो मैन्युफैक्चरिंग में, मैं यहाँ पे सेल पे माशाल्लाह से। फिर मेरी आसानी क्या हो गई, ये चीज़ हम बना रहे हैं तो हमें सस्ती पड़ रही है, हम पेशेंट को दे सकते हैं इसीलिए। मैं इससे परचेज करता था, कंपनीज थी वो हमें ग्रीडी बनाती थी, लालची बनाती थी, ये लिखो ये देंगे ये देंगे, उसके अपने रेट्स होते थे। अब सब चीज़ें मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है खुदा का कर, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम कराची में 15 सेंटर्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, जो फ्रेंचाइजेस हैं लोगों का शेयर है सारी चीज़ों का। और इसी तरीके से हैदराबाद जाता हूँ, सक्कर जाता हूँ, रहीम या खान, बाबरपुर मुल्तान में हमारे इस्टेब्लिश माशाल्लाह सेंटर्स हैं, लाहौर जाता हूँ, DHA में है माशाल्लाह से, पहले हम PC लाहौर में बैठते थे, पिंडी में माशाल्लाह से हमारा सैदपुर रोड पे एक बड़ी हॉस्पिटल है मिडवे उधर है, इस्लामाबाद में हम एस्थेटिक क्लिनिक जाते हैं, इसी तरह वाक एंड बाकी तो मैं बहुत सर्वे करता रहा हूँ, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, सब जगह जा जाके मैंने क्लिनिक्स किए हैं, वहाँ पे पेशेंट्स हुए हैं, वहाँ के पेशेंट गिलगित इस्कर्दू से लोग आते हैं पेंडी मुझे दिखाने। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने ऐप बनाई है स्किन एक्सपर्ट बाय डॉक्टर जावेद के, थ्रू आउट द वर्ल्ड स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप ऐप में डालें हमारे स्किन एक्सपर्ट बाय डॉक्टर जावेद, हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। क्योंकि देखें आजकल कोविड का ज़माना है, लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया, ये मेरी जी, और आगे अल्लाह ताला माफ़ करे पता नहीं क्या क्या चीज़ें आनी हैं। तो अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया, फिर लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हमने बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला है, हमारी ऐप है। इस वक्त पाकिस्तान में किसी डॉक्टर की ऐसी ऐप नहीं है, किसी डॉक्टर की अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है, मुझे आई डोंट नो, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है कि परवरदिगार का एहसान है कि मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइज क्रीम है वो हम बनाते हैं, और वो बना के हम पेशेंट्स को देते हैं, हमारी वाइटनिंग क्रीम, हमारे फेस वॉशेस, बहुत अच्छी हमारी मेडिसिन आ रही है, और हमें पता चल रहा है पेशेंट हमें अच्छा बुरा बता रहा है, सारी चीज़ें इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें मशीन्स पे हमने रेट्स बहुत कम कर दिए हैं, ट्रीटमेंट्स पे हमने रेट्स बहुत कम किए, हमने ईद पे हमारे सेंटर्स पे 1000-1000, 15-15, 2000 की ट्रीटमेंट्स हो रहे थे, जो फेशियल्स नहीं होते थे उसमें हमने कम किए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट हम बहुत कम रेट्स पे कर रहे हैं। आपका एक लंबा बता दें ट्रीटमेंट के हवाले से, पेशेंट आपके पास हज़ार नहीं था।
माशाल्लाह। तो पाकिस्तान के मौसम के हवाले से पाकिस्तानी जो रिस्कें हैं उनमें क्या चीज़ें हैं? देखें, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि लोग इस चीज़ से, यही मैं मेडिसिन की बात करता हूँ, जो कराची का क्लाइमेट है वो ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ पे गर्मी है और ह्यूमिडिटी है। पंजाब का क्लाइमेट गर्मी ज़रूर है लेकिन ड्राई क्लाइमेट है। हम जो मेडिसिन बना रहे हैं अकॉर्डिंगली बना रहे हैं और हम अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को मेडिसिन दे रहे हैं। देखें, मोर और लेस हमारा जो एक नॉर्मल एक डर्मेटोलॉजी में या स्किन में या एस्थेटिक में, वो तो एक जनरलाइज सेम प्रॉब्लम्स हैं। वाइटनिंग चाहिए, पिगमेंटेशन हो गई, दाने हैं, एक्जिमा है, हेयर फॉल है, सोरियासिस है, विटिलिगो है, वो सारी चीज़ें। मेन इशू ये है कि अगर हम दो हिस्से निकाल के एक हिस्सा रखें, बल्कि 1/4 हिस्सा रखें, तो वो तो अफोर्डिंग है, चलो। लेकिन दो हिस्से या तीन हिस्से जो हैं वो गुर्बत के हैं, नॉन अफोर्डिंग के। लोग देना भी चाहते हैं, लोगों को वाइटनिंग का बहुत शौक। एक औरंगी टाउन से लड़की आती है, वो कहती है मुझे रंग गोरा करना, मेरे तो रिश्ते ही नहीं हो रहे, मेरी तो शादी नहीं हो रही, और आपने उसको बिल बना दिया 1.5 लाख का, वो कहाँ से पेयर करेगी? और आपने थोड़ा सा उसका साथ दे दिया, उसको थोड़ा ग्रूम कर दिया, थोड़ा सा बेहतर कर दिया उसके अकॉर्डिंगली, उसके बजट्स में उसका चेहरा बेहतर होगा। आपको पता है चेहरा बेहतर हो सकता है, इसके बाल बेहतर हो सकते हैं, इसका गेटअप बेहतर हो सकता है, आपने उसको हेल्प कर दी, ऑनेस्टली स्पीकिंग शादी हो जाती है। एक इंडस हमारा स्कैनर था पुराना, मैंने एक लड़की को उसको ग्रूम करके पहले उसका इंटरव्यू लिया, बड़ी पुरानी बात है ये, गजनफर साहब का जो इंडस था, पता नहीं आपको आइडिया होगा, पुराना सबसे पुराना चैनल है, तो वो जी बाबा कहलाते हैं गजनफर साहब। तो मैं उसमें एक प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें हमने एक बच्ची को, मैंने उसका इंटरव्यू, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे तो रिश्ते नहीं आ रहे। वो हमने लेके फिर 2-3 महीने बाद उसको ग्रूम किया, तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब जब से फेस सही है तो अब लड़कों के फ़ोन आने, मतलब रिश्ते पे रिश्ते सब आने, तो मोबाइल नहीं था, रिश्ते के रिश्ते आने शुरू हो गए और उसकी शादी हो गई। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, कम पैसों में हमने इसको बेहतर किया है। हमने जो अपने ट्रीटमेंट्स निकाले हैं, जो हमारी क्रीम्स हैं, वो भी हमने बेस्ट चीज़ें डाली हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट लेने थे। पीछे डॉक्टर जावेद, अल्लाह ताला ने उसको, क्योंकि हमारे लोगो है उसमें मेरी तस्वीरें लगी हैं, हमारे बोर्ड्स पे तस्वीरें लगी हैं, तो वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इज्जत की बात है, तो हम उसमें बेस्ट चीज़ चाह रहे हैं कि पेशेंट को दें। यार मुस्तकिल में तो एक ही जगह है, वो कबर है, तो उस कबर को ज़रूर देखो, एक ही जगह है जिसके वही डेस्टिनेशन है, लास्ट डेस्टिनेशन जिसको याद है ना, अगर इंसान को पता चल जाए कि मेरा जो कदम है वो किसी वक्त भी ऊपर से मौत का फरिश्ता आएगा और ये दम निकाल लेगा, तो इंसान कुछ सुधरने की कोशिश करता है। तो जब एक अल्लाह ने आपको टाइम दे दिया, आपको मौका दे दिया, आपको हर चीज़ से नवाज दिया, आपकी हर चीज़ रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं मेरा मालिक, तो उसमें खलूस पैदा कर लो। मैंने अपने वालदैन से सीखा। वालिद क्योंकि जॉब पे थे, डॉक्टर थे, तो आप पुरखलूस हो जाओ, तो आपकी डेस्टिनेशन जो है ना, देखिए वाकयात इंसान की ज़िंदगी के बड़े ज़बरदस्त, जब इंसान इतनी मेहनत कर रहा होता है। मेरे पास मुस्तकिल में एक दो चीज़ें आपको बता दूँ कि मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। मैं 30 हॉस्पिटल, आपने कहा वाकयात, 30 हॉस्पिटल इन अ वीक कवर करता था एक ज़माने में। मेरे पास छोटी सी गाड़ी होती थी, मेरे वालिद ने मुझे MBBS में तोहफे में दी थी, वो भी चोरी हो गई थी एक ज़माने, तो फिर उन्होंने बेचारे ने मुझे गाड़ी करके दी थी। तो मैं ना मूव करता था पूरे सिंध। एक दिन मैं जाता था मातली तलहार भतीन, एक दिन मैं टंडो जाम टंडो लियार मीरपुर खास जाता था, 8-10 जगहें हैदराबाद में बैठता था, 8-10 जगहें मैं कराची बैठता था, मैं आउटबैक करता था, एक दिन इधर एक, अच्छा फिर एक दिन जाता था थाना बुल्ला खान। तो लोग कहते थे पगला गए हो, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा नहीं, ये मुझे सीट से उठना है, मुझे अंदर घुसना है, क्योंकि ये जो आप बैठ के सीट पे प्रोफेसर बन के बैठ जाते हो और छकल यूँ बना लेते हो और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक डिस्टेंस, ये कहें का डिस्टेंस है यार? तुम्हारा वो बेचारा तकलीफ में आए, और फिर जब आप उनकी जगहों पे पहुँचते हो, एक अर्निंग पॉइंट भी था। लोग कहेंगे साहब आप तो कमाने जाते थे, कमाना तो अल्लाह ताला बाय प्रोडक्ट है, वो तो जाओगे, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ देगा, रिस्क सफ़र वसीले ज़फ़र है, आप निकलते हो तो मिलता है पैसा, तो मिलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना ये चाह रहा हूँ
कि मैं एक दिन कोड भी कर रहा था कि मैं जब कराची आता था तो मेरा घर हैदराबाद में था, तो मुझे बड़ी भूख लगती थी, 11-12 बज जाते थे। अच्छा, जो घर थे रिश्तेदारों के, नेचुरली वो टाइम नहीं रहता था, अब अचानक से आप जाएँ कहीं खाना कहाँ खाएंगे, मुझे भूख लगी होती थी, मैं सारे दिन का भूखा था। अच्छा, घर का नेचुरली ग्रोन अप घर में हो तो घर का खाने का आदि था, उस ज़माने में इतने रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, आज से 25-30 साल पहले कहाँ इतने रेस्टोरेंट थे, पिज़्ज़ा ये वो सब चीज़ें, तो मुझे भूख, मैं कहता यार खाना कहाँ खाऊँ मैं, अब सारे दिन मैंने काम कर लिया, भूख लग रही। तो मैं बच्चों में मीटिंग में बता रहा था, तो मैं जिधर भी जाता था, KBs होता था वहाँ जाता था, तो वो बड़ा उनका कटाकट बनता था, मैं वो कटाकट बनवा के या कोई भी चीज़ बनवा के मैं पहले आँखों से आंसू गिराता था, उस रोज़ी को चूमता था कि अल्लाह मुझे भूख लगी हुई है और तूने मुझे गरम गरम खाना दिया। मैं अभी भी कह रहा था कि जो भी नेमत अल्लाह देता है ना, और जिस हाल में भी होते हो तो अल्लाह का शुक्र कर लो, फिर अल्लाह मियाँ आपको नवाजना शुरू कर देता है। तो अल्लाह का करम है, इसमें लोगों को प्रॉब्लम भी आई, गन पॉइंट्स पे भी लोग आए मेरे पास, लोगों ने मुझे थ्रेट्स भी दी, लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ अखबार में भी लिखा, लोगों ने मुझे बदनाम भी किया, लोगों ने मुझे ख़राब भी किया, और उसमें मेरे कुछ अपने लोग भी शामिल हैं। अल्लाह ताला उनको सबको खुश रखे, तो जब आपको अल्लाह इतना नवाज देता है, आपके उस उरूजों पर पहुँचा देता है, तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी सिफत अल्लाह की है कि दरगुजर और टारगेट, तो जितनी ज़िंदगी है अल्लाह ताला मुझे पुरखलूस रखे, और मैं पेशेंट आते हैं कि दुआएं देते हैं, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, यार मैंने तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं लिखी है, तुम्हारी ये 3 साल 5 साल 10 साल पहली बीमारी कैसे ख़त्म हो गई, मैं कहता हूँ अल्लाह मैंने तो कोई काम ही नहीं है ऐसा किया, तो तुम्हारे, तो मैं कहता हूँ भाई अल्लाह का काम है, और अल्लाह ने एक तजर्बा दे दिया, एक सेंस दे दिया परवरदिगार ने, इतना काम कर करके 100-100, 200-200 पेशेंट मैं देखता हूँ डेली, इतनी जगहों पर देखता हूँ, पूरे पाकिस्तान में देखता हूँ, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस परवरदिगार ने दे दिया, तो मैं डायग्नोसिस अल्लाह ने इतनी अच्छी कर दी, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, तो पुरखलूस हैं, और अल्लाह ताला आगे भी मेरे लिए परवरदिगार रास्ते खोल के इसी तरह रखे, नज़रें बद से मुझे आप लोग दुआ कीजिए, नज़रें बद से बचाए और हमारे दिल में और खलूस और प्यार दे कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें। आप सब TV को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब TV, आप सबके लिए।